तो आज की क्लास में बात करेंगे बच्चे सेमाफोर के बारे में। सबसे पहले ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेमाफोर होता क्या है, ठीक है। और बात यह आती है कि सेमाफोर की जरूरत क्या है, कौन से प्रॉब्लम को सेमाफोर सॉल्व करता है। तो बेटा हमने अभी तक जो भी बात की, हमने देखा कि हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो भी कॉन्करेंट प्रोसेस है, या कहना चाहिए जो भी कोऑपरेटिव प्रोसेस है, उनके केस में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बात आती है बेटा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि हम किसकी बात करते हैं, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो चलो अच्छी बात है, अगर आपने देखा कि हमने अभी तक बहुत सारे ढेर सारे सोल्यूशन की बात की, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमने बात की थी मल्टी प्रोग्रामिंग की, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव हो, इनकी हम अभी तक जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किया सिंक्रोनाइजेशन में, हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो भी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव हो सके। अब बात आती है कि हमने देखा था कि जो प्रोसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो हमने प्रोसेस की बात की थी वो प्रोसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक होता है आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है, चलो हम बात करते हैं। एक आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरे आपके प्रोसेस होते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोसेसेस हैं आपके, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, एक आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो वाले प्रोसेस होंगे जिसमें एक का प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरे को अफेक्ट ना करे, ठीक है। इसका मतलब कोई भी शेयर्ड रिसोर्सेस नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट रिसोर्सेस हैं। उनको जब उनको जो प्रोसेस है वो जिस भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी हमने बात पढ़ी थी कि दूसरा होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एक के एग्जीक्यूशन से दूसरे को अफेक्ट होता है, ठीक है। तो मेनली जो सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करते हैं वो किसके टर्म में बात करते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस के टर्म में अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव प्रोसेस में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं यूज किया तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, या मल्टीपल प्रोसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेस कंडीशन आती है। क्यों रेस कंडीशन आती है? क्योंकि आपके पास शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, और उस शेयर्ड रिसोर्सेज को मान लो P1 भी उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहता है, P2 भी उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहता है, P3 भी सपोज दैट कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट हो इस रेस कंडीशन के चलते इनकंसिस्टेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेस कैसे शेयर्ड हैं, तो यहाँ रेस कंडीशन आ जाएगी। अगर रेस कंडीशन आ गई तो सेवरल प्रोसेस एक साथ आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, और फाइनल आउटपुट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है, या वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। जब प्रोसेस अपने प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है, समझना मेरी बात को, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस अपने प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट को किसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई प्रोसेस शेयर डेटा की बात करेगा, शेयर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, या शेयर डेटा को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, या शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है, उसको यूज करने की कोशिश करेगा, तो एक्सेस करने की कोशिश या यूज करने की कोशिश, या कहना चाहिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और एक साथ पैरेलली जो भी प्रोसेसेस है वो एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये हो सकती है कि डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, या कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा बीच में इंटरप्ट हो जा रहा है, तो इसके चलते आपको रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो बात यह आती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में हो रहा है, तो रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में नहीं हो रहा है तो रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है, ठीक है, रिजल्ट आपका इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की, तो इसलिए हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की, ठीक है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार में एक ही प्रोसेस आए और वो जब तक क्रिटिकल सेक्शन में रिसाइड करे तब तक दूसरा प्रोसेस ना आए, क्योंकि अगर आप
सिंक्रोनाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सारा जो खेल है वो आपके इनकंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ना आए, कंसिस्टेंट रिजल्ट आए, इसलिए आप बात करते हो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। इसलिए आप किस चीज की बात करते हो? क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। तो हमने देखा बच्चे कि ये जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो देखो आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, याद करो तो हमने देखा था कि हम क्या करते थे, कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे कुछ ऐसे करते थे। इसमें हम सेक्शंस बताते थे कि हमारे प्रोग्राम के सेक्शंस होते थे, और ये जो सेक्शंस होते थे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट आप बोल सकते हो किसी भी प्रोग्राम के, वो आपके ऐसे कुछ होते थे। ये आपका एक होता था एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन में आपके पास ऐसे कोड हुआ करते थे जिसको पास करके ही आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते थे, जिसको आप पास करके क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते थे, या जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई कर लेते थे तो जो भी प्रोसेस सेटिस्फाई करता था वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता था। तो एंट्री सेक्शन में आपके पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये हमने देखा था कि एंट्री सेक्शन में हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते थे। उसके बाद जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता था, एक बार में एक ही जाता था, वो जब क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता था तो वो एग्जिट सेक्शन में जाता था। ठीक है, तो एग्जिट सेक्शन में गया। अब एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन में आपके पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास एक ही प्रोसेस होगा, एक टाइम पे एक ही सेक्शन होगा। ठीक है, तो दिस पार्ट अलाउज वन प्रोसेस टू एंट्री एंड मॉडिफाई द शेयर्ड वेरिएबल। ठीक है, टू अवॉइड रेस कंडीशन द प्रोसेस शुड एक्सेस द कॉमन रिसोर्सेज अंडर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अब रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस कॉम्पीट कर रहे हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्रिटिकल सेक्शन में एक ही को एक बार में अलाउ करते थे। और फिर लास्ट में रिमाइंडर सेक्शन हो गया। जो भी एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन के अलावा बच गया, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कोड व्हिच इज नॉट इन द क्रिटिकल एंट्री एंड एग्जिट सेक्शन आर नोन एज रिमाइंडर सेक्शन। तो कुछ इस तरह का आपके पास सेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते थे। डू वाइल होता था, यहाँ देखो ये आपका जो डू वाइल है वो आपका इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि वाइल ट्रू ऑलवेज ट्रू रहेगा। सबसे पहले डू के थ्रू आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे, फिर वाइल ट्रू रहेगा, तो जितनी बार आप इस पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये आपका एंट्री सेक्शन हो गया, जहां आप क्या करोगे, गेट्स अ लॉक ऑन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, और फिर जैसे ही लॉग मिलेगा जिस प्रोसेस को जो सेटिस्फाई करेगा एंट्री कंडीशन को, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। फिर एग्जिट सेक्शन में जाने के बाद वो लॉग को रिलीज कर देता है या रिमूव कर देता है फ्रॉम द रिसोर्सेस एंड लेट द अदर्स प्रोसेस दैट इट्स क्रिटिकल सेक्शन इज ओवर, और आप दूसरे प्रोसेस को मौका देते हो कि अब आप क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हो। और फिर फाइनल आपका रेस्ट ऑफ द सेक्शन हो गया, दैट इज रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था बच्चे कि अगर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं तो आपको चार रूल्स होते हैं, जिसमें से ये तीन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। ये तीन रूल्स आपके जो हैं वो आपके मैंडेटरी हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये दो रूल आपकी प्राइमरी हैं और ये दो रूल आपके सेकेंडरी हैं। उसमें भी अगर आप गैल्विन के अकॉर्डिंग बात करो तो ये तीन रूल को, तीन कंडीशंस को, ये जो फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, इन कंडीशन को एनफोर्स करना या फॉलो करना जरूरी है अगर आप क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन की बात करते हैं। मतलब सॉल्यूशन वही बेटर होगा जो इनमें से तीन रूल्स को कम से कम फॉलो करेगा। एटलीस्ट ये तीन रूल फॉलो होने चाहिए। जैसे कि पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अगर अपने बात की थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये था कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रिसाइड कर पाएगा। प्रोग्रेस का मतलब क्या था, कि केवल उन्हीं को हम क्रिटिकल सेक्शन देंगे जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। केवल उन्हीं प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, अब अगर क्रिटिकल सेक्शन में आप जाना चाहते हो, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाना चाहिए। तो दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड व्हेन नो वन इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड समवन वांट्स इन। कोई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और दूसरा जाना चाहता है, अगर जाना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। देन दोज प्रोसेस नॉट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन शुड डिसाइड हु शुड गो इन अ फाइनाइट टाइम। तो रिमाइंडर सेक्शन वाले डिसाइड ना कर पाए कि भाई कौन जाएगा, जो इंटरेस्टेड है वो जा पाए। सीधी बात, प्रोग्रेस का मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जा पाए, और केवल उन्हीं को क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए जो जाना चाहिए, जो जाना चाह रहे हैं। फिर अगला था बाउंड वेटिंग। बाउंड वेटिंग का मतलब एक है, ये बाउंड वेटिंग का मतलब ये हुआ कि कोई बाउंड्री लिमिट होनी चाहिए, वेटिंग की एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर एक P1 प्रोसेस है, उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, चलो अच्छी बात है क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। P2 भी जाना चाहता था लेकिन अभी P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, तो अभी P2 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। फिर P1 रिलीज होता है
और फिर पी टू पी वन को ही क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए, और फिर पी वन को ही क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए और पी टू वेट करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर फाइनाइट वेटिंग टाइम के बाद पी टू को भी मौका मिलना चाहिए अगर वो सी एस में जाना चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टार्वेशन की केस नहीं आनी चाहिए कि अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है और दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया है, सपोज दैट, जब वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन फ्री करे तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम के बाद दूसरे प्रोसेस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दूसरे प्रोसेस को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस बार 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 क्रिटिकल सेक्शन लेता जाए और दूसरा प्रोसेस स्टार्वेशन की कंडीशन में चला जाए, आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते या प्रायोरिटी के चलते कि हाँ इसकी प्रायोरिटी हाइयर है। किसी भी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस को बार 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 क्रिटिकल सेक्शन मिलता जाए, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो ये बाउंडेड वेट की कंडीशन होती है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट फॉलो होना ही होना चाहिए, ये तो हमने देखा था बच्चे, ठीक है। तो बात ये आती है, अभी तक हमने जो भी सॉल्यूशंस की बात की, हमने सॉल्यूशंस देखे, तो जो सॉल्यूशंस देखे बेटा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के, हमने क्या करना चाहते हैं, हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की, एक कैटेगरी आपका होता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की, और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो आपका कहलाता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। दूसरा क्या कहलाता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो हमने कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी देखा और कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन भी देखा। अगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हमने देखा था सबसे पहले टू प्रोसेस सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या देखा था, टू प्रोसेस सॉल्यूशन, ठीक है। याद करो जब हमने टू प्रोसेस सॉल्यूशन की बात की थी तो टू प्रोसेस सॉल्यूशन में हमने टर्न वेरिएबल यूज किया था पहली बार, ठीक है, पहली बार हमने टर्न वेरिएबल यूज किया, टर्न वेरिएबल, और दूसरी बार टू प्रोसेस सॉल्यूशन में हमने फ्लैग वेरिएबल यूज किया, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, टू प्रोसेस सॉल्यूशन में टर्न वेरिएबल यूज किया और एक बार हमने फ्लैग वेरिएबल यूज किया। इसमें आपने देखा था इसमें स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा था, इसमें स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन का मतलब पहले P0 को मौका मिलता, फिर P1 को मौका मिलता, फिर P0 को मौका मिलता, फिर P0 P1 को मौका मिलता, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो हो रहा था लेकिन प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रही थी। अगर आप देखो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा था लेकिन प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा था, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन की बात हो रही थी, इसमें पूछा नहीं जा रहा था। अगर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा था कि आपको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें ये पूछा नहीं जा रहा था कि आपको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके बाद टू प्रोसेस सॉल्यूशन फ्लैग के साथ आया, फ्लैग में पूछा जा रहा था कि चलो क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन आपको चाहिए तभी आप ले पाओगे। लेकिन इन दोनों में आपके पास जो भी कहना चाहिए रूल्स होते हैं, जो क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन के जो तीन मैंडेटरी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। जब ये नहीं हो रहे थे तो आपने पढ़ा पीटरसन सॉल्यूशन की बात, तो आपने क्या पढ़ा, पीटरसन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने बात की कि पीटरसन सॉल्यूशन की बात करते हैं, चलो पीटरसन सॉल्यूशन की अगर बात की आपने, तो पीटरसन सॉल्यूशन टू प्रोसेस सॉल्यूशन था, इसमें दो प्रोसेस की बात हो रही थी लेकिन इसमें तीनों मैंडेटरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे, क्योंकि इसमें आप टर्न वेरिएबल भी यूज कर रहे थे और साथ में फ्लैग भी यूज कर रहे थे। इसका मतलब इसमें आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाई हो रहा था या एनश्योर हो रहा था, प्रोग्रेस भी एनश्योर हो रहा था, बाउंडेड वेट भी एनश्योर हो रहा था, लेकिन ये क्या थे, टू प्रोसेस सॉल्यूशन थे। तो अब बात आई एन प्रोसेस सॉल्यूशन की, एन प्रोसेस सॉल्यूशन की बात आई, ठीक है। तो एन प्रोसेस सॉल्यूशन में आपने देखा कि जब आप एन प्रोसेस सॉल्यूशन की बात करते हो तो एन प्रोसेस सॉल्यूशन में आपने लैम्पर्ट बेकरी एल्गोरिथम देखा था, लैम्पर्ट बेकरी एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें भी आपने एन प्रोसेस सॉल्यूशन की बात की। उसमें जैसे पीटरसन में दो प्रोसेस पे काम हो पा रहा था, एन प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए नहीं था, एन प्रोसेस के लिए सॉल्व नहीं कर पाता था या एन प्रोसेस का सॉल्यूशन नहीं था, तो एन प्रोसेस के लिए आपने क्या किया, लैम्पर्ट बेकरी एल्गोरिथम की बात की। उसके बाद बच्चे आप बात करते हो हार्डवेयर सॉल्यूशन की, ठीक है, फिर आप आ गए किस पे, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे। हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी आपने देखा टेस्ट एंड सेट, ठीक है, इसमें देखा आप क्या करते हो, एटॉमिक बना देते हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एटॉमिक यूज करते हो, एटॉमिकली यूज करते हो, मतलब टेस्ट और सेट अलग अलग ना होके आप इनको क्या करते हो, कंबाइंड करते हो बाय यूजिंग सम हार्डवेयर,
जो टेस्ट का इंस्ट्रक्शन है और जो सेट का इंस्ट्रक्शन है, बाय यूजिंग सम हार्डवेयर सॉल्यूशन आप इन दोनों को कंबाइन करके आप एक क्या बना देते हो, टेस्ट एंड सेट सॉल्यूशन बना देते हो, ठीक है। फिर आपने टेस्ट एंड सेट सॉल्यूशन देखा, टेस्ट एंड सेट में देखा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा था, एनसियोर हो रहा था, प्रोग्रेस भी एनसियोर हो रहा था। फिर आपने स्वैप इंस्ट्रक्शन की बात की, स्वैप इंस्ट्रक्शन में देखा कि इसमें भी आपका प्रोग्रेस हो रहा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा था, लेकिन इन दोनों में बाउंडेड वेट की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। फिर आपने टेस्ट एंड सेट बाउंडेड वेट के साथ भी देखा, जिसमें आपके पास बाउंडेड वेट भी हो रहा था, मतलब बाउंडेड वेट भी आपका अचीव हो रहा था। अब बात ये आ गई कि चलो ठीक है, आपने हार्डवेयर सॉल्यूशन की भी बात कर ली, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की भी बात कर ली, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो हार्डवेयर सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। तो फिर हम बात करें कि जब हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपके कॉम्प्लिकेटेड है फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन टूल सेमाफोर की बात करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ओवर हम कम कैसे करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन टूल सेमाफोर के थ्रू। अब बात करेंगे सेमाफोर की। तो बेटा सेमाफोर होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये सेमाफोर है क्या एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो सेमाफोर है क्या, चलो। तो हम बात कर रहे हैं एन प्रोसेस सॉल्यूशन की सबसे पहले, ठीक है, एन प्रोसेस सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसा है, एन प्रोसेस सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। और प्रोसेस कितने हैं, एन प्रोसेस। सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आएगा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। तो सेमाफोर आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बात कर रहे हैं हम कि इसको ओवरकम करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन टूल की, और सिंक्रोनाइजेशन टूल में हम सेमाफोर का यूज करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि एन प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइज कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम सेमाफोर की बात करें, सेमाफोर होता क्या है, तो सेमाफोर की अगर बात करें तो सेमाफोर एक सिंपल, सेमाफोर आपका एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, ध्यान रखना सेमाफोर क्या है, एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है। चलो अच्छी बात है, सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है। इसका काम क्या है, तो इसका जो यूज होता है, यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर, ठीक है। ये कैसे यूज होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज होता है। चलो अच्छी बात है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज होता है, ठीक है। और किसके थ्रू यूज होता है, बाय कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ध्यान रखिए, यूज होता है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के थ्रू यूज होता है। तो अच्छी बात है, एक कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के थ्रू यूज होता है, और किस लिए यूज होता है, टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, टू अचीव, हम क्या बोलेंगे, टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो चलो हमने बात की कि ये क्या अचीव कर रहा है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए यूज में आ रहा है। तो मुझे अगर सेमाफोर की कोई डेफिनेशन पूछे तो सेमाफोर एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है। पहली बात, सेमाफोर क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, जिसका काम क्या है, इट इज यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। तो सबसे पहले इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, इट इज यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर, किसके थ्रू यूज होता है, बाय कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन आपको अचीव करने की जरूरत कहां पड़ती है, कोऑपरेटिव प्रोसेस के, कोऑपरेटिव प्रोसेस जहां पास हो, कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस हो, वहां आपको सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने की जरूरत पड़ती है। तो बट ऑब्वियस है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आप कहां अचीव करोगे, बाय कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस। और सिंपल सी बात है, क्यों करना चाह रहे हो, जिससे आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइज रहे और रिजल्ट आपका इनकंसिस्टेंट ना हो। तो सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज होता है, कौन यूज करता है, कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो अचीव करना चाहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को, ठीक है। अच्छी बात है, बात को समझते हैं आगे। जैसे अगर मैंने बोला इंटीजर ए, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ही मैंने इंटीजर ए बोला तो एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है। अगर इंटीजर वेरिएबल है, मैंने आपको बताया इंटीजर वेरिएबल होता है सेमाफोर, तो हम ए को बोल सकते हैं सेमाफोर है,
बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये सेमाफोर है। तो जो ए वेरिएबल है वो सेमाफोर है, मतलब जैसे मैंने बोला इंटीजर ए, तो ए को अगर हम बोले सेमाफोर, बिल्कुल सेमाफोर है, क्योंकि कोई भी इंटीजर वेरिएबल सेमाफोर हो सकता है, तो ये सेमाफोर है। चलिए अच्छी बात है। इन जनरल सेमाफोर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, बिकॉज देखो सेमाफोर एस से चालू हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं इंटीजर एस, ठीक है, तो ये आपका सेमाफोर है। तो इन जनरल आपका जो जनरल नोटेशन आता है वो एस के नाम से आता है, बिकॉज एस फॉर सेमाफोर, ठीक है। तो एस वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है सेमाफोर को। तो जब आप इंटीजर एस लिखते हो तो ये क्या होता है? डिक्लेरेशन। आपने क्या कर दिया? वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डिक्लेरेशन। ये सिंपल आपका डिक्लेरेशन है, ठीक है। जब आपने बोला एस इक्वल टू वन, तो ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन। आपने क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। अगर आपने यहां बोला इंटीजर एस इक्वल टू वन, तो आपने क्या किया? डिक्लेयर भी किया एक वेरिएबल को और वैल्यू इनिशियलाइज भी किया। तो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में आपने क्या कर दिया? डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंपल सी बात है, आप सेमाफोर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और इनिशियलाइज कर रहे हो। चलो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि ये जो s इक्वल टू वन है, तो ये s इक्वल टू वन जो हमने बोला, s जो बोला वो सेमाफोर हो गया और वन जो दिया उसको हमने वैल्यू असाइन कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में लिखा, तो ये क्या कहलाएगा? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो अगर हम थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें कि ये सेमाफोर में जो हम बात करते हैं कि सेमाफोर मेनली है क्या, किसने बनाया, तो अगर हम देखें तो समझने की कोशिश करते हैं, अगर सेमाफोर की बात करें तो एक टाइप का एक जनरलाइज्ड लॉक है। एक टाइप का क्या है? जनरलाइज्ड लॉक है, ठीक है। मैंने आपको लॉक बताया था कि लॉक आप ट्रू और फॉल्स करते हो। जब फॉल्स होता है तो आप बताते बताते हो कि क्रिटिकल सेक्शन आपका खाली पड़ा हुआ है, अब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इन हो सकता है, ठीक है। किसने सबसे पहले डिफाइन जो किया सेमाफोर को, डिफाइन करने वाला कौन था? एडगर डाइक्स्ट्रा, ठीक है। एडगर डाइक्स्ट्रा ने सबसे पहले लास्ट 60s में इसको क्या कहते हैं, डिफाइन किया था, ठीक है। जो मेन सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव यूज होते हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। क्या कंसिस्ट करके रखता है? इंटीजर वैल्यू को कंसिस्ट करके रखता है, और भी कौन से? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को। तो सेमाफोर में नो नेगेटिव वैल्यूज, ध्यान रखना। सेमाफोर में कौन से वैल्यूज होंगे? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होंगे। चलिए अच्छी बात है। सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन द प्रीवियस टॉपिक सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर आर नॉट इजी टू जनरलाइज टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसको ओवरकम करने के लिए हमने सिंक्रोनाइजेशन टूल की बात की, जो कि सेमाफोर कहलाता है, ठीक है। अब सेमाफोर को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, इट इज एक्सेस ओनली थ्रू टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन, वेट एंड सिग्नल। ये वेट और सिग्नल के थ्रू एक्सेस हो सकता है। अब ये एक्सेस होगा केवल केवल वेट एंड सिग्नल के थ्रू एक्सेस होगा। इसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। दीज ऑपरेशंस वर ओरिजिनली टर्म्ड एज पी, पी वेट के लिए होता है और वी सिग्नल के लिए होता है, ठीक है। हम समझेंगे अभी इसको। सेमाफोर क्या है? एक वेरिएबल है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स बाई मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है। ये क्या करने के काम में आता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जो कि क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है एक्सेस को टू अ कॉमन रिसोर्स बाई मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ कॉनकरेंट सिस्टम, ठीक है। तो सेमाफोर एक ऑब्जेक्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ अ काउंटर, वेटिंग लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड टू मेथड, सिग्नल एंड वेट, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है? सेमाफोर के पास क्या होता है? काउंटर होता है और वेटिंग लिस्ट होता है। काउंटर और वेटिंग लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस होता है, और दो मेथड होते हैं, एक होता है सिग्नल और वेट, या दो फंक्शंस होते हैं सिग्नल और वेट। तो सिंक्रोनाइजेशन टूल दैट डज नॉट रिक्वायर बिजी वेटिंग, स्पिन लॉक, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन टूल में अगर देखा जाए तो बिजी वेटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन बिजी वेटिंग होगा। तो इसको हम दो तरीके से अचीव करेंगे, बिजी वेटिंग के थ्रू और नॉन बिजी वेटिंग के थ्रू भी, हम देखेंगे इसको। अगर अपन देखा जाए तो इट इज अ मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टास्क। लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है। 1965 में एजगर डाइक्स्ट्रा ने इसको क्या कहते हैं, डिवाइस किया था टू प्रोवाइड कॉम्पिटिशन सिंक्रोनाइजेशन एंड ऑल्सो इन कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंपल इंटीजर होता है, ठीक है, जो टास्क के डिस्क्रिप्टर्स को क्यू में स्टोर करता है, ठीक है। सीमाफोर के पास केवल दो ऑपरेशन होते हैं,
ठीक है, पास या वेट एंड रिलीज, जिसको हम एक बोलते हैं सिंपल पी, पी जो है वो आपका वेट के लिए है और वी जो है वो आपका सिग्नल के लिए होता है, ठीक है। और इस पास को जो लिया गया था डच वर्ड से लिया गया था पास रेन, दैट इज टू पास, ठीक है, और दूसरा वर्ड है वी टू रिलीज, दैट इज वाइग्रेन, ठीक है। तो ये दोनों चीज पास और रिलीज के लिए वर्ड यूज होते हैं, पी और वी। तो अगर अपन सेमाफोर की बात करें तो आप क्या अचीव करना चाहते हो? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब लॉक ऐसे डिजाइन किया जाए कि अगर कोई लॉक एक्वायर कर ले, लॉक एक्वायर करे, सबसे पहले कोई लॉक एक्वायर करके और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन ना मिले, और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर हो फिर वो लॉक को रिलीज कर दे, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में लॉक डिजाइन होता है कि अगर एक ने लॉक एक्वायर कर लिया तो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, और जब तक क्रिटिकल सेक्शन में हो या जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरे को मौका ना मिले, फिर वो लॉक रिलीज करे तो मौका मिले। चलो अच्छी बात है। फिर बात करें तो अगर हम देखें तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेंगे तो जो हमारी एस की वैल्यू होगी वो हमेशा वन होगी, मतलब जो सेमाफोर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? वन होगी। तो ये ध्यान रखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसे वन से इनिशियलाइज करते हैं, मतलब एस की वैल्यू वन हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर अपन सेमाफोर की टोटल बात करें तो सेमाफोर जो होता है वो अलग अलग पर्पज के लिए बनाया गया है। इन जनरल अगर बात की जाए तो तीन तीन प्रॉब्लम्स के लिए सेमाफोर, या कहना चाहिए सेमाफोर कैन यूज टू डू थ्री डिफरेंट जॉब्स, तीन डिफरेंट जॉब्स के लिए बनाया गया सेमाफोर। पहला जॉब क्या है, या कहना चाहिए पहला कौन से सॉल्यूशन के लिए सेमाफोर है? पहला तो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए है, या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए है। तो पहला काम सेमाफोर का है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चलो अच्छी बात है। दूसरा इसका जो काम है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को डिसाइड करना, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस का डिसाइड करना, ये भी काम सेमाफोर के थ्रू हम कर सकते हैं। तीसरा काम है रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये हम आगे देखेंगे, आराम से समझेंगे तीनों को। लेकिन एक बात समझ लो आप कि जो सेमाफोर है वो सेमाफोर का तीन पर्पज है, तीन टास्क को परफॉर्म कर सकता है सेमाफोर। पहला तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दूसरा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोसेस के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है उनके लिए होता है, और तीसरा होता है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये तीन चीजें कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ध्यान रखना इंटीजर एस की वैल्यू वन ही रखेंगे, हमेशा क्या रहेगा? एस की वैल्यू वन रहेगी। तो जब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करेंगे सॉल्व करने की, तो इसे एस को वन से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो हम एन प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, तो एस की वैल्यू वन होगी, इसको वन से इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया, एस की वैल्यू वन से इनिशियलाइज कर दिया, तो ध्यान रखना इसको आप दोबारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने एस की, मतलब क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू जो है एस की वैल्यू अगर आपने वन इनिशियलाइज कर दी, तो इसको दोबारा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे ही एस इक्वल टू वन हुआ तो अब ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। कैसे एक्सेस होगा? अगर आप इसको अब एक्सेस करना चाहते हो तो आपको दो एटॉमिक ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे। एक होता है वेट, ठीक है, ये मेथड भी होता है, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि वेट मेथड है और या फंक्शन है, और दूसरा होता है सिग्नल, सिग्नल, ठीक है, दूसरा होता है सिग्नल, ठीक है। आप इसको वेट ऑफ एस भी बोल सकते हो और सिग्नल ऑफ एस भी बोल सकते हो। वेट ऑफ एस का मतलब वेट ऑन एस और सिग्नल ऑन एस, ठीक है, वेट ऑन एस और सिग्नल ऑन एस, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एस की एक वैल्यू वन कर देते हो तो इसका मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एस को इनिशियली वन से इनिशियलाइज करते हो, और जैसे ही वन से इनिशियलाइज कर दिया अब इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको एक्सेस करने के लिए वेट और सिग्नल जो है आपके स्टैंडर्ड एटोमिक ऑपरेटर उनको यूज करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस है उनको यूज करना पड़ेगा, वेट और सिग्नल का, या वेट फंक्शन या सिग्नल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब एस की बात करें तो आप वेट ऑफ एस बोल सकते हो और सिग्नल ऑफ एस बोल सकते हो। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि सेमाफोर हैज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ वन अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात करेंगे तो, ठीक है,
और इसमें जब वन हो जाएगा तो ये पी और वी के थ्रू ही कॉल होंगे। पी किसके लिए? वेट के लिए, और वी किसके लिए? सिग्नल के लिए, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन एनफोर्सिंग सम ऑर्डर बिटवीन थ्रेड्स, ठीक है। तो अब अगर वेट फॉर ऑपरेशन आप कर रहे हो तो दिस टाइप ऑफ सेमाफोर ऑपरेशन हेल्प यू टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ अ टास्क। अब वेट, अब कहां वेट का यूज कहां करोगे? एंट्री लेवल पे करोगे। वेट कहां यूज होगा? एंट्री लेवल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे प्रोसेस को वेट करा सकते हो, और पहला प्रोसेस भी वेट में ही जाके एंट्री लेवल से आप क्या करोगे, उसको क्रिटिकल सेक्शन में भेजोगे। तो दिस टाइप ऑफ सेमाफोर ऑपरेशन हेल्प यू टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ अ टास्क इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। हाउएवर इफ द वैल्यू ऑफ वेट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द वेट आर्गुमेंट एक्स इज डिक्रीमेंटेड, ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा होता है सिग्नल प्रोसेस, सिग्नल ऑपरेशन। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेट और सिग्नल होता क्या है। तो जब भी आप बात करते हो वी कैन यूज सेमाफोर टू सॉल्व एन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब आप वेट की बात करते हो तो वेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेट, उसके अंदर आपने एस रख दिया सेमाफोर, इसके अंदर देखो आपका वाइल लूप है। वाइल लूप कैसा वाला है? एक ट्रैप वाला है, एक ट्रैप वाला वाइल लूप है। क्योंकि जनरली अगर वाइल लूप की आप बात करोगे तो वाइल क्या करता है? वाइल, और अगर कंडीशन यहां देख करता है, अगर कंडीशन आपका ट्रू है, ठीक है, अगर वाइल और अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो क्या करेगा? स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगेन अगर ट्रू हुआ तो बार 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 कंडीशन आपका ट्रू होता जाएगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। और बाद में जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। ये जनरली होता है वाइल लूप, इसमें आपका वाइल का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर। लेकिन आप देखो जो आप ट्रैप बनाते हो उसमें आप क्या करते हो? वाइल लूप देते हो, और वाइल लूप के बाद आप कंडीशन देते हो, और कंडीशन के बाद सेमी कोलन लगा देते हो। तो ये कैसा हो गया? इसमें क्या होता है? कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो बार बार इसी लूप में ट्रैप होता रहेगा, स्पिन लॉक होता रहेगा, ट्रैप होता रहेगा, ठीक है। इसी को हम बीजी वेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैप इसलिए बन गया क्योंकि बार बार सेल्फ लूप में ये बिजी हो जाएगा, सेल्फ लूप में वेट करता रहेगा, ठीक है। और कब तक वेट करता रहेगा? जब तक ये ट्रू हो। जैसे ये फॉल्स हुआ तो बट ऑब्वियस है इसका कोई ब्लॉक तो है नहीं, इसके बाहर आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। तो यहां देखो यहां एक ट्रैप है, ठीक है। तो करते क्या है, हम वेट में वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, इट डिक्रीमेंटेड द सेमाफोर वैल्यू, ठीक है। इफ द वैल्यू बिकम्स नेगेटिव देन द प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग द वेट इज ब्लॉक्ड। जैसे ही जीरो हो जाएगा आप लूप में ही एग्जीक्यूट करते जाओगे, नेगेटिव तो होने ही नहीं देगा, नेगेटिव तो होने ही नहीं देगा, जीरो पे ही आप लूप में देखो ट्रैप हो जाओगे। तो अगर मान लो सेमाफोर की वैल्यू पहले वन है तो यहां आएगा, चेक करेगा व्हाइल वन लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, व्हाइल वन लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ एस को डिक्रीमेंट कर देगा, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई अब? जीरो, ठीक है। फिर चेक होगा जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो होता है क्या? नहीं, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। तो यहां देखो जीरो क्या चेक कर रहा है? लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो के बराबर तो होता है, बिल्कुल सही है, लेस देन और इक्वल टू चेक कर रहे हैं, जीरो बराबर तो होता है। तो इस लूप में ट्रैप हो जाएगा, इस लूप में ट्रैप हो जाएगा। तो वन को जीरो करता है, सिंपल, इट रिड्यूसेस द वैल्यू बाय वन। तो जब आप वेट करवाते हो तो क्या करते हो? वैल्यू को रिड्यूस करते हो, वन है उसको जीरो कर देते हो, और जीरो के बाद देखो लूप में फंसा रहेगा, ठीक है, जीरो के बाद वो लूप में फंसा ही रहेगा, फंसा ही रहेगा, फंसा ही रहेगा, एक बार डिक्रीमेंट कर देगा। तो जब आपको डिक्रीमेंट कराना होता है तो आप क्या कराते हो? वेट कराते हो, तो इट रिड्यूसेस द वैल्यू बाय वन। जबकि अगर सिग्नल की बात करें तो सिग्नल में आप क्या करते हो? एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हो, और ध्यान दो इसमें आपका कोई ट्रैप भी नहीं है, तो सिग्नल में जाने के बाद इंक्रीमेंट होना तय है, ठीक है। तो इट इंक्रीमेंट्स द सेमाफोर वैल्यू, ये क्या करता है? एक वैल्यू बढ़ा देगा, सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। सिग्नल में कोई ट्रैप भी नहीं है, लेकिन वेट में ट्रैप है, ध्यान रखना। तो वेट क्या करता है? डाउन करता है, एक वैल्यू डाउन करता है, और सिग्नल क्या करता है? अप करता है। तो अच्छी बात है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे करता है। अगर हम देखें तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, यही देखा था हमने कि डू होता है, फिर एंट्री सेक्शन होता है, एंट्री सेक्शन को जो सेटिस्फाई कर देगा वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, फिर एग्जिट सेक्शन होता है, फिर रिमाइंडर सेक्शन और वाइल ट्रू। ये आपका क्या है? इनफाइनाइट लूप है। तो देखो इन जनरल हम जो क्या करते हैं, जो हम बॉडी बनाएंगे डू वाइल में, एंट्री सेक्शन की जो बॉडी बनेगी वो वेट से बनेगी, यहां हम क्या रखते हैं? वेट, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो गया? वेट ऑफ एस। तो एंट्री सेक्शन में हम रखेंगे वेट,
यहां होगा वेट। तो ये हमको समझ में आ गया, वेट कंडीशन आपका कहां होगा या वेट फंक्शन कहां होगा, वेट मेथड क्या होगा, एंट्री सेक्शन में होगा। एग्जिट सेक्शन में आप क्या करोगे, आप सिग्नल को रखोगे। एग्जिट सेक्शन में आपका क्या होगा, आप सिग्नल को रखोगे। चलो अच्छी बात है, आपने एग्जिट सेक्शन में रख दिया सिग्नल को, ठीक है। तो अब आपका क्या बन जाएगा, डू, ठीक है, डू, और यहां बना दो आप व्हाइल, ठीक है, समझो व्हाइल, और व्हाइल आपका हो गया ट्रू सेमीकोलन। अब आपके पास सबसे पहले हो जाएगा वेट, तो ये आपका हो गया वेट, ये वेट हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, ये आपका हो गया क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद हो जाएगा सिग्नल, ये आपका सिग्नल हो गया एस, ठीक है, और फिर आपका रिमाइंडर सेक्शन। अब समझने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज आपकी दूसरी क्लास 10:15 पे चालू होगी बच्चे, ठीक है, तो आराम से समझना इसको। तो अब देखो हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेस है, समझते हैं, जैसे मान लो P1 है, P2 है, P3 है और PN है, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है, P1, P2, P3, PN, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ गए। अब सबसे पहले P1 आएगा, और अगर क्रिटिकल सेक्शन की हम बात करेंगे तो सेमाफोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अब सेमाफोर 1 हो जाएगा और एक्सेस नहीं होगा विदाउट वेट और सिग्नल के बिना, एक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखना, इनके बिना एक्सेस नहीं होगा। अब सबसे पहले P1 प्रोसेस आता है और P1 प्रोसेस बोलता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। P1 क्या बोलता है, मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, अच्छी बात है। बोलेगा वेट ऑफ एस, वेट ऑफ एस, जब वेट ऑफ एस जाएगा तो वेट ऑफ एस का आपका फंडा क्या है, वेट ऑफ एस में यहां गया और बोलेगा एस की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, 1 <0 कंडीशन फॉल्स, और एस को कर देगा डिक्रीमेंट, तो एस की वैल्यू हो गई 0, एस की वैल्यू हो गई 0, क्या हो गया, एस आपका हो गया 0, ठीक है। एस जैसे ही 0 हुआ, अब एस आपका 0 हुआ, अब वैसे भी क्रिटिकल सेक्शन में कोई है नहीं, क्रिटिकल सेक्शन में आप इन कर गए, समझो मेरी बात, क्रिटिकल सेक्शन में आप इन कर गए। अब देखना कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी अब क्या हो रहा है कि एस जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, सॉरी P1 जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है, लेकिन इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू 0 हो चुकी है, एस की वैल्यू 0 हो चुकी है और P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। अब अगर प्रोसेस P2 P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब प्रोसेस P2 ने P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया, कोई प्रोसेस कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच किसी को भी कर सकता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकल सेक्शन में हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल कहना चाहिए कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है। तो सपोज दैट जब यहां P1 जो था वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में था, P1 क्रिटिकल सेक्शन में था, तो P2 क्या बोलता है, P2 आता है और P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। अब जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया, ठीक है, तो अब क्या करेगा, P2 बोलेगा मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं। P2 क्या बोलेगा, मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं। सेम प्रोसीजर, क्या बोलेगा, वेट ऑफ एस, वेट ऑफ एस यहां जाएगा, एस की वैल्यू 0 पड़ी हुई है, तो चेक करेगा वो कि 0 <= 0 तो नहीं होता है, 0 <= 0 तो नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है, कंडीशन ट्रू। तो ये देखो P2 जो है वो आपका इस वाइल लूप में ट्रैप हो जाएगा। कब तक ट्रैप रहेगा समझने की कोशिश करते हैं। अभी ट्रैप हो गया, अब फिर P1 फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और P1 आता है और क्रिटिकल सेक्शन से एग्जीक्यूट करके सिग्नल में जाता है, क्योंकि एग्जिट सेक्शन में क्या है, सिग्नल है, तो सिग्नल में जाएगा तो यहां जाएगा, जब यहां सिग्नल में जाएगा तो 0 को कर देगा 1, 0 क्या कर देगा, एस प्लस प्लस, तो 0 + 1 अब क्या हो गया, 1, तो एस की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो गई 1, ठीक है। अब जैसे ही 1 हुआ तो यहां पास की जो कंडीशन P2 जो था यहां था, अब ये देखेगा कि 1 <= 0 कंडीशन फिर से क्या हो गया, फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स हुआ एस क्या करेगा, 0 करेगा अपने आप को, एस की वैल्यू अगेन 0 हुई और अब आपका P2 जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में इन कर जाएगा, क्योंकि P1 तो वैसे भी बाहर निकल चुका है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो देखो फॉलो हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है, क्योंकि जब आपका P1 क्रिटिकल सेक्शन में था, आप समझो मेरी बात को, जब आपका P1 क्रिटिकल सेक्शन में था तो क्या हो रहा था, P1 आपका जब क्रिटिकल सेक्शन में था तो P2 यहां वेट कर रहा था, बिजी वेटिंग हो रही थी, P2 आपका वेट कर रहा था, क्यों, क्योंकि उस समय S की वैल्यू 0 थी, उस समय S की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ट्रैप हो गया। लेकिन जैसे ही P1 आपका यहां से हटा तो सिग्नल S कॉल हुआ, एग्जिट सेक्शन में सिग्नल कॉल हुआ, जैसे ही सिग्नल कॉल हुआ तो आप यहां गए और 0 को कर दिया 1, तो 0 हो गया आपका 1,
जैसे ही वन हुआ एक कंडीशन फॉल्स हुई, आप एस को डिक्रीमेंट कर दोगे, अब एस हो गया जीरो और आप पी टू जो हो जाएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में इन हो जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब जब आपका सिग्नल कॉल हुआ तो जब पी टू प्रोसेस ट्राई करेगा तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेमाफोर ने इसको देखो इजी कर दिया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो हो रहा है। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है। अब सेकंड बात करते हैं प्रोग्रेस की, ठीक है। तो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस तो दिख रहा है, देखो कैसे। क्योंकि अगर आप कोई भी ऑर्डरिंग डिसाइड यहां, अगर जैसे कि मान लो, जैसे कि अगर आप यहां बात करो, अगर आप सिंपल सी बात करते हो, जैसे कोई भी प्रोसेस होता है, अब अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए, अगर दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए। तो देखो सिंपल, यहां आप क्या कर रहे हो, जब भी कोई बंदा या जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो एस को क्या करता है? जीरो, ठीक है। और जब भी वो बाहर आता है तो सिग्नल के थ्रू वो क्या कर दे रहा है? वन, ठीक है, सिग्नल के थ्रू वन कर दे रहा है। तो जिनको भी जाना है वो क्या करे, एस को जीरो करे और चला जाए, जो भी इंटरेस्टेड है वो एस को जीरो करे और चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है इसको जीरो करे और चला जाए, ठीक है। और जब तक वो आपका रिसाइव करेगा क्रिटिकल सेक्शन में तब तक दूसरा वेट करता रहेगा, और फिर जैसे ही वो बाहर आएगा दूसरे को मौका मिल जाएगा। तो प्रोग्रेस तो हो रही है, कोई किसी को यहाँ रोक तो रहा नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, एस को वन करो अगर आप पहले एंटर करना चाहते हो, और जैसे ही आप क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो एस को जीरो कर दो और आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रिटिकल सेक्शन में केवल वही जाएंगे जो रियल में इंटरेस्टेड हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो चले भी जाएंगे। तो प्रोग्रेस तो एंश्योर हो रही है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी एंश्योर हो गया, प्रोग्रेस भी एंश्योर हो गया। अब हम बाउंडेड वेट की बात करते हैं। अगर मान लो बाउंडेड वेट की हम अगर बात करें, ठीक है, तो बाउंडेड वेट में अगर हम बात करें तो मान लो सबसे पहले अगर बाउंडेड वेट की हम बात कर रहे हैं तो अगर देखो एंट्री सेक्शन में आपके पास क्या है, एंट्री सेक्शन में आपने लिखा हुआ है वेट, वेट ऑफ एस, और एग्जिट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है आपने, सिग्नल ऑफ एस, ठीक है। तो अगर मान लो P1 अगर दोबारा जाना चाहे, पहले P1 प्रोसेस आता है, अगर P1 पहले प्रोसेस आता है, ठीक है, अगर P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस को सबसे पहले S को वन करा और फिर जीरो करके क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया, CS में चला गया, ठीक है। अब जब क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और अगर मान लो P2 उसी समय आता है तो P2 क्या करेगा, P2 वेट करता रहेगा, क्योंकि S की वैल्यू जीरो हो चुकी है। अगर S की वैल्यू जीरो है तो बार 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 वेट करता रहेगा, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, तो वेट करता रहेगा। अब अगर P2 आपका वेट कर रहा है और P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, समझो मेरी बात को, ठीक है, और P1 जब बाहर आता है तो सिग्नल के थ्रू वो क्या करेगा, सिग्नल के थ्रू क्या कर देगा, सिग्नल के थ्रू आपके सेमाफोर की वैल्यू को वन कर देगा, ठीक है। और उसी समय अगर P2 जो है वो प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है, और P1 बोलता है मैं फिर से इंटरेस्टेड हूं, तो P1 को फिर से मौका मिल जाएगा और P1 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, P1 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब जो P2 फिर से आया तो फिर से वेट करेगा और P1 फिर से क्या करेगा, बाहर होकर सिग्नल से क्या करेगा, एस की वैल्यू को फिर से वन कर देगा, ठीक है, एस की वैल्यू वन कर दिया, फिर से P2 प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है, और फिर क्या करेगा, एस की वैल्यू को जीरो करके पीवन जो होगा फिर से क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो पीवन अगर दोबारा जाना चाहे और दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है तो बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाउंडेड वेन इंश्योर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर दूसरा इंटरेस्टेड है तब भी अगर वो वेट कर रहा है मान लो, और क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी हुआ, सिग्नल आपका वन हुआ, और उसी समय पीवन फिर से इंटरेस्टेड हो गया, और सपोज दैट पी टू को मौका नहीं मिला ड्यू टू हायर प्रायोरिटी, क्योंकि P1 हायर प्रायोरिटी का था, या ऑपरेटिंग सिस्टम ने P1 को ही मौका दे दिया, तो बार 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 P1 को मौका मिलता जाएगा, P2 तो स्टार्व होता जाएगा, स्टार्वेशन में फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मैक्सिमम बाउंड डिसाइड हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई कि मेरे दो क्राइटेरिया तो सिंपली फुलफिल हो रहे हैं, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो आपका प्रोग्रेस, ये दोनों ही आपके सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन बाउंडेड वेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ चलो, जो आपका सेमाफोर का सॉल्यूशन है उस सेमाफोर से ये दोनों आपके कहना चाहिए बिल्कुल
आराम से अचीव हो रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, तो बाउंडेड वेट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन को इंप्रूव करके बाउंडेड वेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो सेमाफोर के हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में देखेंगे। तो यहां बात हमको यह समझ में आ गई कि दो क्राइटेरिया बिल्कुल आराम से फुलफिल हो रहे हैं लेकिन बाउंडेड वेट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।